नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं 9 अगस्त की चैप्टर 2 का। ठीक है, आप लोग कमेंट प्रॉपर करते रहिए कि आपको समझ में आ रही ये चीजें कि नहीं आ रही। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक समकोण त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक्स 60 है, वाई 30 है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर कुछ करना बचा है? यानी कि साइन 30 का मान आपको नहीं पता, एक बटे में दो भैया, ये 60 हो गया, ये माइनस का 30, यानी कि साइन 30। बहुत आसान था। अगला सवाल, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से P पर स्पर्श करते हैं, ए बी एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, A और B पर स्पर्श करती हैं, तो ए पी बी कितना होगा? 90 डिग्री हो। सिंपल सी बात है भैया, आपको यही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? जैसे ये दोनों थे, ठीक है, ए बी एक क्या थी? सीधी स्पर्श रेखा थी और ये P पर स्पर्श करते थे। अब हमसे ए पी बी ये पूछा था, तो एक चीज यहां पर थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाना था। क्या लगाना था? कि जैसे ही आप ये लाइन खींचोगे तो ये इसके बराबर होगी, जब ये बराबर होगी तो ये भी बराबर होगी। अब छोटी सी चीज ध्यान देना, ये आता कहां से? डायरेक्ट याद करने की तरीका देखो, ये यहाँ पर हो गया, ये अर्धवृत्त में बना कोण संपूर्ण होता है। अगर ये लाइन हम यहाँ से खींच दें तो ये दोनों बराबर होंगे और ये तीनों नहीं बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये तीनों बराबर हो गए तो ये क्या बन रहा? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हमसे एपी भी पूछा गया तो ये 90 डिग्री नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कुछ भी करने को था? कुछ भी नहीं था। अगर आप करना ही चाहते हैं तो कर लेंगे भाई, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि ये होगा नहीं। जैसे मान लो ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा आ जाएगा, इतना ये कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल हो गया। यानी कि ये दोनों अगर अल्फा और ये अल्फा है तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस का अल्फा प्लस का 2 थीटा बराबर में 180 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ से लिखें कि 2 अल्फा प्लस का 2 थीटा बराबर में 180, यानी कि भैया फिर से बोल दिया तो ये 90 डिग्री। अब बताओ, अल्फा प्लस थीटा यही तो हमें निकालना था, तो आपको चीजें याद करनी पड़ेगी अच्छे से। अब इस सवाल को देखो, आपको सिंपल सा x प्लस 1 अपॉन x बराबर 5 दिया था। अब अगर आपने बेसिक अच्छे से सीख लिया तो आपको ये पता हो गया ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक बार स्क्वायर करोगे 25, 25 से 2 माइनस किया 23 आ गया, 23 का स्क्वायर 529, 529 से अगर 2 माइनस कर दोगे तो 527। अब 527 से मैं 36 माइनस करना है, ना कि दुनिया भर का जो 194 बना देंगे, तो ये चला गया। यानी कि हमारे दिमाग में 527 माइनस का 36, 7 से 6 गया, 1 आ रहा, यूनिट डिजिट से आंसर लगा दो। अब आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, जब आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं ना तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आते हैं सवाल उन्हीं पर, लेकिन आपको दिमाग में सोचते हुए, जो नहीं आते उन पर तो करना ही होता है काम। एक साहूकार का दावा है कि वह 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर धनराशि ऋण पर देता है, लेकिन जब वह हर 6 महीने में इसकी गणना करता है तो चतुराई से ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर लेता है, ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी? अब यहाँ पर देखो, ब्याज की प्रभावी दर कैसे निकालते हैं हम लोग? वार्षिक के हिसाब से निकालते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो साधारण ब्याज चल रहा था, यहाँ पर उसने चतुराई कर दी, मूलधन शामिल कर ले रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बना दिया उसने पूरा। जब कुछ शामिल कर लेंगे तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज चलने लगेगा ना, यानी कि रेट तो यहाँ पर 4% हो गई अर्धवार्षिक के हिसाब से। यानी कि अब वार्षिक के हिसाब से अगर 6-6 महीने की स्लैब देखते तो दो, एक साल में 2 बनती जाके, तो उसके इफेक्टिव रेट हमें निकालनी पड़ती, तो इफेक्टिव रेट 4+4 और 4×4/100, यानी कि 8.16% आंसर। आप समझ गए होंगे, अच्छे से इसको कर सकते थे। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई इतनी है, केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी 3 है, तो वृत्त का व्यास आपको बताना है। तो 4, 3, 5, 5×2 = 10 आंसर आ गया। भाई अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपको ये चित्र बनाना पड़े, आपके दिमाग में भी तो चीजें चल रही होंगी, तो उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। ये 3 दे दिया था, अब ये पूरी दे दी थी हमको 8, तो ये कितनी होगी? 4 होगी, तो रेडियस 5 होगी, हमसे व्यास पूछा था तो 5 × 2 = 2। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, ये सिंपल सा फार्मूला आपको खोलना था, ठीक है। यहाँ पर देखो, a² + b² बनेगा, अब यहाँ पर इसका भी b² आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये सारे 2 टर्म में बनेंगे, तो क्योंकि c² a² इसी तरीके से चलेगा तो ये तो 2 में बन गए। फिर ये सारे माइनस में चलेंगे, क्या चलेंगे? ये 2 ले लिया कॉमन, क्या ab + bc + ca, ये सब चीज पता है ना, पता होनी चाहिए। तो 2×2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? a² + b² + c² 10 हो गया, माइनस में 2 × में इसका मान निकालना था। इसका मान देखो, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 17² बराबर में 101 हो गया, और फिर प्लस में 2 × में जो पूरा हमको निकालना है, तो ab + bc +
सी ए हो गया, तो यहाँ से ये टू भी हटा दो क्योंकि हम इतना पूरा निकाल लेंगे। टू 289 माइनस का 101 हो गया, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू में 101 माइनस का हो गया 289 माइनस का 101 हो गया। अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो ये बन गया 30 में 3 माइनस का 289, आंसर आ गया हमारा कितना 13 से 9 गया 4, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अब इसके विभिन्न विभिन्न तरीके के फार्मूले भी बताए जाते हैं, भैया कितना याद करोगे, इसी फार्मूले पे अच्छे से काम करो ना, फास्ट कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाना जल्दी से। ये तो काफी आसान है, 5/6 वन माइनस का कॉस स्क्वायर है, क्या लिख सकते थे साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या लिख सकते थे कॉस स्क्वायर है, ये यानी कि 5/6 ये बन गया 10 स्क्वायर है, 10 कॉट का अपोजिट होता है यानी कि 12/5 का होल स्क्वायर हो गया। तो 5/6 गुड़े में 12 गुड़े में 12 बटे में 5 गुड़े में 5, ये कैंसिल आउट, 6 × 12 हो गया, तो 12 × 24/5 आंसर। अगला सवाल, रवि के पास शुरुआत में चॉकलेट की एक निश्चित संख्या थी, जबकि रवि के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उन चॉकलेटों की संख्या का 80% भानु के पास शुरुआत में था। रवि अपनी चॉकलेटों का 10% अपनी बहन को देता है, जबकि भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उसकी 35% चॉकलेट उसे अपने अंकल से और मिल जाती है। यदि भानु के पास आखिर में इतनी चॉकलेट थी तो रवि ने अपने बहन को कितनी चॉकलेट दी? तो देखो, रवि के पास अगर हम मान लें कि 100 चॉकलेट थी, तो क्या किया था, जितनी चॉकलेट थी उन चॉकलेट की संख्या का 80% भानु के पास थी, यानी कि भानु के पास कितनी हो गई फिर 80 हो गई। रवि ने क्या किया, 10% अपनी बहन को दे दी, यानी कि उसके पास अब बची होंगी इतनी, जबकि भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उसकी 35% उसे अपने अंकल से और मिल गई, यानी कि अब कितनी हो गई 135 हो गई उसकी। तो ये 0 से 0 करेंगे, 8×5=40 हो गया, 13×8=104, 4 जोड़ देंगे तो 108 होगी। अब कह रहा था यदि भानु के पास आखिर में 54 चॉकलेट थी, यानी कि 108 बराबर में हमको 54 दे दिया गया। अब पूछ रहा है कि उसने अपनी बहन को कितनी दी, सारा काम किससे किया, इसी से तो कंपेयर करके किया, यानी कि हमें 10 का मान निकालना था, यानी कि 54/108 गुणे में हो गया 10, तो 18 × 54 = 18, 6 × 108 3×2=6 हो गया, 2×5=10 आंसर हो गया। भाई बहन को कितनी दी थी, 10% 10% का मतलब क्या हो गया, 100 का 10% 10 आंसर। अगला सवाल, माना एबीसी और पी क्यू आर दो सर्वांगसम संपूर्ण त्रिभुज है, सर्वांगसम बोल दिया यानी कि उसकी हर चीज समान हो गई, कोण ए बराबर पी बराबर में 90, बी सी बराबर में 13, पी आर बराबर में 12, तो ए बी का मान क्या होगा। अब यहाँ पर किसी भी एक के लिए ले लो, ठीक है, ए और इसका ए तो 90 था ना, तो ए बी सी हो गया, बी सी बोला था 13, अब पी आर उसने बोला है 12, तो पी आर यहाँ पर देखो एक छोड़कर एक लिखा, तो ए सी का मान इसमें 12 होगा, तो ए बी कितना होगा 5 होगा, आंसर लगा दो। अब जरूरी नहीं कि उसमें दो चित्र बनाओ, हमने उसमें देख लिया सर्वांगसम है यानी कि बिल्कुल सेम हो गए, यानी कि ए बी सी हमने देखा, जो ट्रायंगल लिखे तो उसमें देखा पी और आर कहां पर लिखे हैं, एक छोड़कर एक, तो ए सी का भी मान वही होगा जो पी आर का मान होगा। अगला सवाल, एक स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों के सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन इतने का दान करने का संकल्प लिया, और कह रहा था रविवार को छोड़कर दान सप्ताह के दौरान कोई अवकाश नहीं था, सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने क्रमशः इतने इतने का दान एकत्र किया, अपने दान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें शनिवार को कितना धन एकत्र करना होगा। अब इस सवाल में देखो डेविएशन मेथड से करना चाहते हो कर लो, मेरा राय यह रहती है कि जब भी बड़े नंबर हो, क्योंकि उसमें घटाना ज्यादा पड़ता है डेविएशन मेथड में, तब आप सिंपल सा जोड़ घटाने वाला कर लिया करो, उसमें ज्यादा फायदा रहता है क्योंकि गलत होने के चांस कम रहते हैं। तो देखो सबसे पहले इनको सबको जोड़ लेते हैं, तो 5, 7, 5, 12, 5, 17, 17, 2, 19 के 9 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 6, 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, तो 2, 2, 4, 4, 4, 8 हो गया, 9, 8, 17, 17 और 8, 25 और 5, 30 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 3, 7, 3, 10, 10, 6, 16, 16, 6, 22 हो गया, 22, 6, 28 हो 6, 34 हो गया। अब एक चीज बताओ, इतना आ गया 34 और इधर 8×40,000 है, समझने की बात करना, सॉरी 8×6=48,000 है, क्योंकि 8,000 है, 6 सप्ते में 6 दिन तो काम करना, तो 48,000 ये हो गया, इनका अगर डिफरेंस करोगे तो ये एक भी नहीं आएंगे, आप देख लो ना 34 और 48 में अगर सिंपल ही करते हो ना तब भी 14,000 आ रहा है, तो आंसर आप यहाँ से लगा सकते थे ना, समझ गए, यानी कि या तो डिफरेंस कर लो तो 13,991 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार एक शर्ट पर 20% की प्रारंभिक छूट के साथ 12% की अतिरिक्त छूट देता है, वह शर्ट को इतने में बेचता है तो
शर्ट का अंकित मूल्य क्या है, 704 में बेची, यानी कि ये 80 और ये 88, और फिर यहाँ पर गुणे कर दो 100, गुणे कर दो 100, तो यहाँ पर 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 छक्का 66, 4 हो गया 8 2 64, आंसर 1000। ठीक है ना, अंकित मूल्य एक्स मान लिया 80%, गुणे में हो गया आपका 12%। अब ये सब लिखने की कोशिश मत किया करो, जितना कम से कम लिख पाओ, स्टेप्स कटिंग कैलकुलेशन का ही पार्ट होता है, ऐसा थोड़ी ना अलग से आ गया है। अब यहाँ पर देखो वैल्यू पुटिंग करोगे तब भी अच्छा है, ये सीजीएल में भी पूछा गया, बिल्कुल डिट्टो सवाल। आपको इसमें दो फार्मूले बताए गए हैं, क्या साइन 4a प्लस का कॉस 4a बराबर में होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, एक होता है इनमें सब में पावर हो जाती है 6। ठीक है, इसमें सवाल पूछे गए हैं इसलिए ये लिखवाए जा रहे हैं, तो 1 माइनस का 3 और बाकी सब सेम रहता है, तो ये याद रखना, यहाँ से काट लेते तो 1 आ जाता, बाकी आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते, 90 रख लेते तो ये तो 0 हो जाता, क्या करते a बराबर में 90, तो यहाँ पर 1 प्लस का 0 अपॉन में 1 माइनस का 0, तो आंसर क्या आ गया 1। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो लिखा क्या हुआ, ये लिखा हुआ 0.24 का होल क्यूब माइनस में 0.2 का होल क्यूब और अपॉन में लिखा हुआ 0.24 का होल स्क्वायर प्लस में 0.2 इंटू में 0.24 और प्लस में 0.2 का होल स्क्वायर, समझ गए, यानी कि इसका जब फार्मूला खोलोगे तो 24 माइनस का 0.2 और जो भी ब्रैकेट में बाद में बचेगा वो इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस करेंगे तो 0.04 आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि कोणीय निरूपण को दर्शाया गया है, यदि योग्य उम्मीदवार की कुल संख्या इतनी है तो क्यू में उम्मीदवारों की संख्या एस में उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट है, तो इससे तो कोई पंचायत नहीं है, तो क्यू में कितने दिए गए थे 75 दिए गए थे और एस में 110, इसका कितना परसेंट है, बस ये निकालना था आपको, ये जीरो से जीरो चला गया, इसको पूरे को हटा देंगे, ये इधर आ गया, इधर करेंगे 11 छक्का 66 9 बच गया, 11 अट्ठे 88 2 बच गया, 11 एकम 11 करेंगे तो कितना बचेगा 9, फिर 11 अट्ठे 88 यानी कि 68.18 आंसर। ऑप्शन देख लेना एक बार कितने बढ़िया दिए गए थे, स्नेहा एक वस्तु को अंकित मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करती है, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए, उसने यहाँ से इतने की चीज अंकित कर दी लेकिन उसे चाहिए कितने 12 का प्रॉफिट, तो 12% हो गया, यहाँ से छूट कितनी देनी पड़ी 10 से 2 गया 8 3 से 1 गया 2 28 की, किस पर देनी पड़ी 140 पर, गुड़े में 100 हो गया, तो 14 दूनी 28 यानी कि 20% आंसर। अगला सवाल कह रहा है कक्षा में उच्चतम औसत प्रदर्शन किसका है, यानी कि जिसने सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए, तो देखो औसत से तो मतलब नहीं क्योंकि सभी में प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ से देखो ये इसमें ज्यादा हो रहे, इसमें यहाँ पर इसमें ज्यादा हुए, फिर इसमें ज्यादा, फिर इसमें ज्यादा, अब इसमें ज्यादा, एक चीज बताओ 29 और 41 का डिफरेंस 12 है, 19 और इसका डिफरेंस अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 26 का, यानी कि यहाँ पर ये इधर बड़ा है तो प्लस का 26, यानी कि अगर हम करना चाहें ये प्लस का 26, लेकिन इनमें डिफरेंस ये प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 12 इधर हो गया, इधर करेंगे तो ये 11 यानी कि 13 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इधर प्लस का 3। अब एक चीज बताओ ये 13, 13, 5, 18, 18, 12, 30, 26 को इसने कर नहीं दिया कंप्लीट, तो यानी कि अभी तो सबसे ज्यादा इसमें है, जब इसमें सबसे ज्यादा होगा ये तो ऑलरेडी कम है, इनको तो हटा ही दो, आंसर लगा दो सामान्य से कम, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं आप, वैसे तो एक ऑप्शन होता ही जोड़ के करने वाला। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% है तो एक्स का मान बताए, देखो 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी कि अगर हम सीटी अपॉन में एसपी लिखें तो एक्स अपॉन में 240 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा था 20% का लाभ होता है, तो 20% लाभ मतलब 1/5 हो गया, यानी कि 5 की चीज किस में बेची गई, 6 में बेची गई है, यानी कि 5/6 बराबर में एक्स बटे में 240 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीपी हो गया ये एसपी हो गया, तो यहाँ से 6 चौक 24 हो गया, एक्स बराबर 200 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, इसकी एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी, आंसर 3। अब इसमें बताओ, इस पे सवाल बहुत पूछे जा रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको, ठीक है ये होगी जीवा की लंबाई 8, त्रिज्या 5 होगी, तो ये आधी 4 हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी आंसर। अगला सवाल, मध्य अनुपात ही करना भैया, 6 9 54 कर सकते हैं, यानी कि 6 बार आ जाएगा, 3 बार 18 आंसर, किन्हीं भी दो नंबर का अगर मध्य अनुपात ही तो रूट ए भी होगा, आंसर आपको लगा देना था। बंबई से गोवा जा रही रेलगाड़ी ने पहले इतने किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से तय की और फिर शेष 195 किलोमीटर दूरी इतने की चाल से तय की, औसत चाल एवरेज स्पीड
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 420, नंबर देखो 420 लिखा है, वाह भाई वाह। यहाँ से करेंगे तो टाइम निकालेंगे तो 420 बटे में 60 प्लस का 195 बटे में 65 हो गया, तो 13 एकम 13 हो गया, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 ये 3 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला गया, तो ऊपर 5 9 2 11, 5 1 6 और नीचे हो जाएगा 7 3 10, तो आंसर आ गया 61.5। अगला सवाल, 64 लीटर के दूध के पीपे में से 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से भर दिया जाता है, यदि इसी प्रक्रिया को दूसरी और फिर तीसरी बार दोहराया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इनिशियल क्वांटिटी और यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट की जाती है वो, और यहाँ पर आ जाती है इनिशियल क्वांटिटी और कितनी बार चीज की जा रही है, तो यहाँ पर जो भी मान आता है ना, जो भी मान आता है, जो स्टार्टिंग में आपके पास चीज होती है उसी का मान आता है, तो यहाँ पर ये 64 किया 1 माइनस का, अब यहाँ पर 8 हो गया, बटे में ये 64 हो जाएगा और ये 3 बार की गई, 8 2 64 हो गया, यानी कि 64 गुणे में 8 से किया 7/8, गुणे में 7/8, गुणे में 7/8, तो ये तो कट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 7 343 बटे में 8 हो गया। अब ये जो जो क्वांटिटी बची है ना, ये केवल दूध की बची है, अब हमें चाहिए था लेकिन पानी में, अब टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में थी कितनी, 64 थी मिल्क की, यानी कि अब बची कितनी, 343 बटे में 8, यानी कि ये क्या बचा होगा, अब ये जो वाटर बचा हो, तो 8 4 32 हो गया, हासिल लगा 3, 8 6 48 और 3 51, माइनस का 343 बटे में 8 हो गया, तो 12 से 3 गया 9 हो गया, फिर 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 4 से 3 गया 1, ये आ गई किसकी, पानी की। अब आपको क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था और मिल्क चाहिए था, ये 8 हो गया, रेशियो 169:8 हो गया, कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 4th। समझ में आ गई बात ना, यहाँ से जब निकालते हैं तो जो भी स्टार्टिंग होता है उसकी जो भी क्वांटिटी बची होगी वही यहाँ पर आता है, लेकिन टोटल तो देखो 64 थी, 64 बाद में भी टोटल बची होगी, लेकिन हमारे पास मिल्क इतना आया तो उतना घटा दिया टोटल में से, तो हमारे पास वाटर निकल के आ गया, रेशियो बना लिया। अगला सवाल, प्रत्येक 5 किलोमीटर में 300 कैलोरी बर्न होती है, पूरे सप्ताह में कितने कैलोरी बर्न होगी, तो 5 बराबर आपको दिया था 300, अब इनको सबको जोड़ लो, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 की जीरो, आंसर लगा 3 2 5 4 9 2 11 3 14 1 15 2 17 और 1 18, यानी कि हमें 18 का मान निकालना था, तो यहाँ से करेंगे ये 5 6 3 60 गुना हो गया, तो 60 गुणे में 18, 18 6 108 हो गया आंसर। अगला सवाल, संख्या 37A 78B के लिए निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, जहाँ A और B एक अंकीय संख्याएं, यानी कि 37A 78B, हमें कुल मिलाकर A और B का मान निकालना है जो 9 से विभाज्य ना हो, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं ना, 9 से विभाज्य इसमें है भी कि नहीं, ऐसे ही बोल दिया, तो 7 2 9 6 3 9 हो गया, 8 7 15, ये केवल 3 से डिवाइड है, यहाँ से करेंगे 7 2 9 हो गया और ये 9 हो गया, 8 2 10 7 8 3 11 और 7 18, ये 9 से डिवाइड हो गई, फिर यहाँ पर करेंगे 7 2 9 हो गया और फिर 8 1 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, ये ना तो 3 से है ना तो 9 से है, ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 7 2 9, ये 9 हो गया, 8 4 12 3 15, ये भी केवल 3 से डिवाइड है, यानी कि हमें 2 नंबर ऐसे मिले हैं जो कि 3 से डिवाइड है, यानी कि ये ही 2 नंबर हैं। अब हमें इन दोनों नंबर में क्या देखना था, इन दोनों में नंबर में ये देखना था सबसे बड़ा कौन सा है, बस वही आंसर हो जाता, तो 9 यानी कि ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर तो 6 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक ठोस घनाओं को पिघलाकर कुछ घन बनाए जाते हैं, यदि घनाओं की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी इतनी है, प्रत्येक घन का किनारा इतना, तो घनों की संख्या क्या होगी, सिंपल सी बात है भैया, 4 5 20 हो गया, 4 4 16, 4 2 8, 5 4 20 और 2 2 40, अब किसी को लिख के अच्छे से दिखाना चाहते हो तो बात अलग है, दोनों के तो वॉल्यूम बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये क्यूब, अब यहाँ पर एक चीज बताओ, इनकी संख्या निकालनी तो इतने में एन बनेंगे, तो यहाँ पर 20 गुणे में 16 गुणे में 8 बराबर में 4 की पावर 3, अब आप सॉल्व कर ही सकते हैं, समझ गए। अगला सवाल, एक साड़ी का अंकित मूल्य इतना है, भाई इतने में उपलब्ध छूट की दर क्या होगी, अब इससे आसान सवाल आपको नहीं मिल सकता, 3800 अगर 3200 दोनों को अगर माइनस किया जाए तो कितना मिलेगा, 600, लेकिन 30 इसमें और एक्स्ट्रा माइनस होना था तो बचेगा कितना, 570, ये छूट किससे दी गई, 3800 से दी गई, गुणे में कर देंगे 100, तो 19 3 57, 19 2 38 हो गया, इधर करेंगे तो 15 हो गया, यानी कि 15% आंसर, इतने आसान सवाल था ये तो, ठीक है। चलो फिर 9 अगस्त की शिफ्ट 2 आपकी समाप्त हो गई है, कमेंट बिल्कुल करते रहिए,
चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।